अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है वकास अली और आप देख रहे हैं विकीटा की यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी अर्निंग करना चाहते हैं घर बैठे 15 से 20 डॉलर, वो भी डेली और बिल्कुल ही रियल, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तरीकाकार बताने वाला हूँ। ये तरीकाकार हम यूज़ करेंगे यूट्यूब की मदद से, और यूट्यूब शॉर्ट आपको बहुत सारे व्यूज़ दे रहा है और यूट्यूब शॉर्ट की मदद से आप लोग पैसे कमाओगे और पहले ही दिन 15 से 20 डॉलर आप कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई चैनल मोनेटाइज करने का इंतजार करना होगा या फिर कोई एडसेंस वगैरह का सीन नहीं बताऊँगा आपको, सिर्फ सिंपली आप पहले ही दिन से 15 से 20 डॉलर अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे, मतलब कि आप कुछ टाइम ज़्यादा काम करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी अर्निंग बढ़ती रहेगी। 60, 70, 100 डॉलर आप पर डे का कमा सकते हैं। तो सोचो, हिसाब लगाओ कि आप 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार एक एक दिन में अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कमाओगे, छापोगे इतने पैसे, तो दोस्तों आप लोगों का कितना ही फ़ायदा होने वाला है। तो बस आपको करना कुछ यूँ है कि इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो तरीकेकार बताने वाला हूँ, आपने शुरू से लेकर आखिर तक सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। मैं कुछ एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करूँगा, कुछ मेथड्स को इस्तेमाल करूँगा, कुछ वेबसाइट्स को इस्तेमाल करूँगा, जो भी मैं बताऊँगा आप लोगों ने इसको कंप्लीट फॉलो करना है। तो आपने कहीं पर भी वीडियो को मिस आउट नहीं करना। अगर आप कहीं पर भी वीडियो को मिस आउट करते हैं तो आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आप मिस कर जाएंगे जो कि आपको नहीं पता था। सो हम यूट्यूब को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। यूट्यूब एप्लीकेशन को आपने ओपन कर लेना है, और यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं। आपको दिए गए नीचे यहाँ पर शॉर्ट्स का ऑप्शन भी मिलता है, और ऐसे भी शॉर्ट्स बहुत सारे लोग पसंद करते हैं देखना, किसी भी कैटेगरी की शॉर्ट जो आप लोग इजीली बना सकते हो, इंटरेस्ट रखते हो। सो आप लोगों को क्या करना, अपना फेस नहीं दिखाना, कॉपी पेस्ट काम है, ठीक है। आपको किसी की मतलब वीडियो से ही शॉर्ट बनाना होगा, और दोस्तों ये बहुत ही आसान है, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज अगर आप लोगों को यहाँ पर मैं एक कैटेगरी बता देता हूँ कि मतलब कि कोई भी कैटेगरी जो मुझे पसंद है, लाइक पैट लवर्स हैं, तो यहाँ पर कैट के रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो सर्च कर लेते हैं कैट के रिलेटेड, यानी कि कैट की फ़नी वीडियोज़ के रिलेटेड हम सर्च कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कैट फनी वीडियोज़, और कैट फनी वीडियोज़ लिखने के बाद जो मैं सर्च करूँगा, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी वीडियोज़ आ जाएंगी, लाखों वीडियोज़ आएंगी। लेकिन आप लोगों को जो भी वीडियो चूज़ करनी है जिसके अंदर आपको लगता है कि यहाँ पर जो है वो कैट की कुछ फ़नी मोमेंट्स है रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है, आपको 10 मिनट, 12 मिनट, 5 मिनट जितने भी मिनट का है, ठीक है, आप उसके अंदर मल्टीपल क्लिप्स ले सकते हो, चाहो तो 1, 2, 3। तो आपने सिंपली क्या करना है, 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपके पास शेयर का ऑप्शन आता है, तो आपने उस पर क्लिक करना है, कॉपी कर देना है अपने लिंक को यहाँ से, और उसके बाद आपने चले जाना है अपने पास गूगल क्रोम को ओपन करना है, और वहाँ पर आप लिख के सर्च करोगे यूट्यूब टू MP4। सो आपके सामने इस तरह वाई टू मेट वाली एप्लीकेशन आएगी। तो आप लोगों ने इस एप्लीकेशन के अंदर सिंपली क्या करना है कि आपने इस बॉक्स के अंदर लिंक को पेस्ट करना है। अगर आपके पास इस तरह से कोई ऐड आपके सामने आता है तो सिंपली आप क्या कीजिए कि आपने उस टैब को क्लोज कर देना है। अगर वो यहाँ पर ब्लॉक करने से भी आपके सामने जो है वो इस तरह से नहीं हो रहा, तो आप अलाउ कीजिए एक दफ़ा, और उसके बाद यहाँ पर ऊपर आपने इस टैब को क्लोज कर देना है। अगर दोबारा से आपके सामने इस तरह आता है, तो ये तकरीबन 2 दफ़ा आपके पास इस तरह से आता है, तो आपने परेशान नहीं होना कि यार ये क्या टैब्स खुल कर आ रही हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने इस टैब को क्लोज कर देना है। आप यहाँ पर जो है वो आप तीसरी दफ़ा जब आप इसको पेस्ट करोगे तो आपके सामने पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आप जैसे ही पेस्ट करोगे आपके सामने वीडियो आ जाएगी, और आपको नीचे यहाँ पर बहुत सारी क्वालिटीज़ मिल जाती हैं, यानी कि आप किस क्वालिटी के अंदर जो है वो इसको कन्वर्ट करके डाउनलोड करना चाहते हो, 1080p से लेकर यहाँ पर नीचे सारी 720, 480 जो भी क्वालिटीज़ हैं आपके सामने यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ 480 को, यानी कि आपको डेमो के लिए दिखाना है, तो यार इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम 480 को ही डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, और उसके बाद आपने यहाँ पर क्रोम में आपने परमिशन देनी है, कुछ आपने अलाउ कर देनी है स्टोरेज की परमिशन, और आपने इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन बार में आपके सामने इस तरह से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये वीडियो यहाँ पर इतने मज़े से डाउनलोड हो रही है, इसके साथ साथ आप कोई भी वीडियो जो है वो इस तरह से कर सकते हो अपने फ़ोन में, ठीक है। आपको यहाँ पर जितनी देर ये वीडियो होती है, मैं आपको ये चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ कि आपने इस वीडियो को कैसे जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, एक और एप्लीकेशन को चाहिए होगा, आप लोगों को प्ले स्टोर के अंदर आना है, और आपने सर्च कर लेना है यहाँ पर कैपकट। तो कैपकट एक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पर आप किसी भी किस्म की वीडियो को एडिट कर सकते हैं, यानी कि एक वीडियो एडिटर है। तो आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपने इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, उसके बाद यहाँ पर आपने इनकी पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है, और उसके बाद आपके सामने यहाँ से निकल के आएगा न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट लिखाएगा, आपने कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी किस्म की वीडियो को जो है वो प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है, तो उससे पहले आपने यहाँ पर सेटिंग पे आ जाना है, और इसके बाद यहाँ पर ऐड डिफ़ॉल्ट एंडिंग वाला ऑप्शन जो है वो ऑन होगा, आपने इसको ऑफ कर देना है। ऐड डिफ़ॉल्ट एंडिंग वाले ऑप्शन को ऑफ करने का मकसद क्या है, यहाँ पर आप लोगों को जो है वो डिस्कार्ड वाले को सिलेक्ट करना है, ठीक है। डिस्कार्ड पे आप क्लिक कीजिएगा और ये ऑफ हो जाएगा। इसका मकसद ये है कि आपकी हर वीडियो की एडिट जो भी आप करोगे, एंड में आपके पास कैपकट का लोगो नहीं आएगा अगर आप इसको ऑफ रखोगे। तो आपने सिंपली बैक आ जाना है न्यू प्रोजेक्ट पर दोस्तों, आप लोगों ने तब क्लिक करना है जैसे ही आपकी वीडियो में आप डाउनलोड हो जाती है। मैं देख लेता हूँ, हमारे पास वीडियो डाउनलोड हो चुकी है, आपके पास जो भी गैलरी
भी पड़ी होगी, आपने यहाँ से अलाउ अलाउ करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अपनी गैलरी से आपने उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी गैलरीज के अंदर वीडियोज़ होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। हमारे पास ये 9 मिनट की वीडियो है तो उसको हम सेलेक्ट करके ऐड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इस एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत सारी जो है वो सेटिंग मिल जाती हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करना सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो। आपको बस सिंपल ऑप्शन क्या है कि आप लोग मेरे वीडियो चैनल पर जो है वो वीडियो है ऑलरेडी, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अब इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे जो है वो क्लिप्स मिल जाते हैं, मतलब कि मल्टीपल क्लिप्स हैं। सो आप जो भी क्लिप यूज़ करना चाहो आप उसके अंदर से वो कर सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पर आपको जितनी भी लेंथ का क्लिप चाहिए आप उसको सेलेक्ट करोगे। एक दफ़ा सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपने स्प्लिट पे क्लिक करना है, मतलब कि जो जो आपको क्लिप पसंद है आपने उसको स्प्लिट कर लेना है और दूसरे जो फालतू होगा उसको आपने यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। अब आप इसके मुकम्मल एडिटिंग तो मैंने सिखाने वाला, लेकिन जो आपको काम करना है वो बता देता हूँ। यहाँ पर आपने फॉर्मेट पे आ जाना है और फॉर्मेट पे आपने 9:16 कर लेना है ताकि वो लेंथ में जो मोबाइल फ़ोन की लंबी वीडियो होती है उस तरह से आ जाएगी। बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक हो जाएगा। सो आप बैकग्राउंड के जो ब्लैक है इसको भी हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा और इफेक्टिव बनाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप बैक आ जाओगे। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो है वो कैनवस का ऑप्शन आएगा, तो आपने कैनवस पर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा, आपने बैकग्राउंड पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड चूज़ कर लेना। तो आप वीडियो के बैकग्राउंड पे इस तरह से करके कुछ बैकग्राउंड आ जाएगा, बहुत ही कमाल का कूल लगेगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आपने अर्निंग के लिए जो काम करना है वो यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। आपने टेक्स्ट क्या लिखना है, आप ऐड टेक्स्ट पे जाओगे, ठीक है। टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, सबसे पहले आपने ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हो, मतलब कि लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप लिख दो, ठीक है। आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर टाइप करते हैं, हम यहाँ पर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आप ये टाइप करने के बाद उसके बाद आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ से कोई भी डिज़ाइन आपको चाहिए, कोई भी कलर चाहिए, किसी भी किस्म का इफेक्ट चाहिए आप वो डाल सकते हो आसानी से। तो यहाँ पर जो है हम चूज़ कर लेते हैं एक छोटा सा नॉर्मल सा आपको बताने के लिए इफेक्ट, यहाँ पर जो है वो चूज़ कर लेता हूँ ताकि आप लोग भी समझ जाओगे कैसे इफेक्ट अप्लाई होता है। तो यहाँ से इस तरह अप्लाई करने के बाद बड़ा छोटा करना है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर किसी भी किस्म की सेटिंग है वो यहाँ पर आप कर सकते हो इस टेक्स्ट के साथ, और मूविंग करना चाहो, किसी भी किस्म का इफेक्ट डालना चाहो आप डाल सकते हो। उसके बाद इसको आपने ऊपर भी और कॉपी करके नीचे भी आप एडजस्ट कर, तो इसी के अंदर लेयर को कॉपी करने का भी ऑप्शन है। सो आप जितना देर आप टेक्स्ट शो करवाना चाहते हो आप इसको खींच कर उतना लंबा ले जाओ, ठीक है, जितनी देर ये टेक्स्ट शो हो वीडियो के अंदर। तो मैं कंप्लीट कर देता हूं ताकि यहां पर कंप्लीटली वीडियो के अंदर ये शो हो जाए। उसके बाद ये वीडियो दिखेगी कैसे, मैं आपको बड़ा करके इसका साइज दिखा देता हूं कि ये वीडियो आपको कैसे दिखेगी। इस तरह से ये वीडियो नजर आएगी, ऊपर लिखा होगा लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और छोटी सी आगे दरमियान में वीडियो चल रही होगी और स्क्रीन पूरी ये कवर करेगी और इस तरह से जो है वीडियो प्ले होगी। उसके बाद दोस्तों आपने क्या कर लेना है, आपने सिंपली क्या करना है, आपने इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने का तरीका भी बताता हूँ, यहाँ से आप वापस से जो है वो क्या करिए इस वीडियो को शॉर्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड पे ऊपर टॉप पे नजर आएगा आपको एक बटन, इस बटन की मदद से हम जो है एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पर क्लिक करेंगे इस बटन पे, और एक्सपोर्ट पे आप कोई भी रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हो और आपकी जितने एमबी की फाइल बनेगी वो भी बता देता है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ही एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो एक्सपोर्टिंग हो रही है, देखें कितनी ही जल्दी एक्सपोर्टिंग हो रही है। हम जितनी देर में बात कर रहा हूँ उतनी देर में एक्सपोर्टिंग भी हो चुकी है, 50% से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा एक्सपोर्टिंग हो चुकी है, 70% से भी ज़्यादा। सो ये बहुत ही जल्दी एक्सपोर्ट करता है और आपके फ़ोन जितना भी स्लो है ये एक्सपोर्ट कर देगा। जैसे ही एक्सपोर्ट हो जाएगी आपने वापस से जो है वो अपने यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर जाना, आपकी शॉर्ट वीडियो जो है वो रेडी है। तो यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, मैं आपको सारा स्टेप्स बता रहा हूं। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक नहीं लाइक किया, तो यहां पर प्लस पे क्लिक करोगे, क्रिएट अ शॉर्ट पे आपने क्लिक करना है, क्रिएट अ शॉर्ट पे क्लिक करोगे। और उसके बाद दोस्तों आपने यहां पर अलाउ एक्सेस कर देनी है, आपने जो है वो परमिशन अलाउ कर देनी है कैमरा की। और उसके बाद आपने दोबारा से यहां पर एक्सेस अलाउ करने के बाद गैलरी पर आपने जो एक्सेस है वो भी अलाउ कर देनी है ताकि आपकी गैलरी से भी वीडियो एक्सेस कर सके, ठीक है। यहां पर आप देखिए 16 सेकंड की वीडियो जो हमने शॉर्ट बनाई थी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, अगर इसके अंदर आप छोटा बड़ा करना चाहते हो आप कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप इसके अंदर से कोई म्यूजिक, कोई टेक्स्ट, कोई टाइमलाइन, कोई फिल्टर वगैरह लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन हम इसको सिंपली क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपना टाइटल ऐड कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, ठीक है। टाइटल ऐड करोगे और डिस्क्रिप्शन आप YT स्टूडियो के एप्लीकेशन से भी ऐड कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों ने एक लिंक देना है जिसके थ्रू आप रनिंग करोगे। आप वो लिंक कैसे देना है मैं वो आपको बताता हूँ। जो मुकम्मल आपने पहले सबसे स्टार्ट में वीडियो के लिंक कॉपी किया था, पूरी वीडियो का लिंक, ठीक है, आपने उस लिंक को जो है वो यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले आपने गूगल में आके सर्च करना है लिंक शॉर्टनर अर्न मनी, ठीक है। यहाँ पर आप ये सर्च करोगे लिंक शॉर्टनर अर्न मनी, और उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दूसरे तीसरे नंबर पर वेबसाइट आ जाएगी shorty.st, जो भी मतलब इस तरह से करके आ जाएगी। तो आपने उस पर क्लिक कर देना है और इसके अंदर आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ज्वाइन पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद लॉगिन करने के बाद इस वेबसाइट के अंदर आप क्या कर सकते हो, आपने जो वो लिंक होगा कंप्लीट वाला वीडियो का वो आप डाल के इसके अंदर शॉर्ट कर सकते हो। जितने भी यूज़र उस शॉर्ट लिंक के
थ्रू आएंगे इस वेबसाइट पर, यानी कि इस वेबसाइट उस वीडियो को देखेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आपको अर्निंग होगी, ठीक है, बहुत सारी अर्निंग होगी। और उसको आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या फिर आप जो है वो बैंक के थ्रू भी निकाल सकते हो, पेपाल के थ्रू भी निकाल सकते हो। सो आप लोगों को क्या करना है, वो जो कंप्लीट वीडियो वाली लिंक है वो आपने यहाँ पर दे देनी है, और इसको लिंक शॉर्ट करके आपने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो शॉर्ट वीडियो है ना उसकी डिस्क्रिप्शन में लगा देना है वो लिंक, तो उस लिंक के थ्रू जो है वो आपकी अर्निंग होगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या कर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। और दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करते हुए जाइएगा, और इस कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे से एक राय का इजहार कीजिएगा इस तरह के मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।